ओके सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहती हूँ। आप ये पूछिए, आपके लिए क्वेश्चन भी है एंड सिनेरियो भी समझ लीजिए। आप मान लीजिए आपके पास दो मशीन है, ये काली एंड उबंटू, एंड अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों के बीच में मुझे एक फाइल है इस सिस्टम में, दैट नेम इज 45.txt एंड आई वॉन्ट्स टू ट्रांसफर दिस फाइल टू दिस मशीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? कभी ना कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर या मूव कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जब आप टर्मिनल पे काम करते हैं या सीएलआई पे काम करते हैं, तो कभी ना कभी हमें ये ज़रूरत पड़ती है, या एथिकल हैकिंग आप जब भी आगे करेंगे, या फिर आपको आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, या आप OSCP कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको ये नीड होगी कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। सो ये सेशन में आज हम यही सब देखेंगे कि किस तरीके से, विच विद द हेल्प ऑफ विच टूल्स वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है कॉपिंग ऑफ फाइल। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको सिनेरियो में बताया कि देर इज़ ए वन काली मशीन एंड एक उबंटू मशीन है, एंड दोनों के बीच में मुझे काली से उबंटू में एक फाइल शेयर करना है, या आप ये बोल सकते हैं उबंटू से काली में करना है, सेम सिचुएशन है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कॉपिंग ऑफ फाइल, राइट। सो हाउ यू कैन डू दैट? अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से हम करेंगे। द आंसर इज, उसके लिए हम कुछ यूटिलिटीज़, या आप टूल बोल सकते हैं, हम कुछ टूल्स या यूटिलिटी की हेल्प से ये कर सकते हैं। एंड वो टूल का नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड द SCP एंड द SFTP। SCP या फिर SFTP की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये जैसा कि मैंने यहाँ पे दो टूल बताए आपको, SCP एंड SFTP। तो हम दोनों टूल्स की को समझेंगे एंड दोनों के साथ ही प्रैक्टिकल करेंगे, बट वन बाय वन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं फाइल यूजिंग द SCP टूल, राइट। तो अभी सबसे पहले SCP का मतलब क्या है? SCP मतलब S स्टैंड फॉर सिक्योर, CP स्टैंड फॉर कॉपी, राइट। सो सिक्योर कॉपी। सो ये जो टूल है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द SSH। अभी SSH क्या है? दैट इज सिक्योर शेल, एंड दैट मींस कि जो भी डेटा शेयर हो रहा है फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर मशीन एंड अनदर मशीन टू द वन मशीन, सो दैट इज ट्रांसफरिंग सिक्योरली। मतलब सब चीज़ें, जो भी फाइल्स जा रही हैं, वो सिक्योरली ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं, वो सिफर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। वो इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। सो आपको मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया है, SCP इज़ अ यूटिलिटी यूज टू मूव फाइल्स एंड डायरेक्टरी सिक्योरली, एंड विद द SCP कमांड यू कैन ट्रांसफर फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू योर लिनक्स सर्वर एंड द वाइस वर्सा। एंड एज दिस यूटिलिटी यूजेस द SSH टू मूव फाइल्स, यू नीड द SSH क्रेडेंशियल्स ऑफ योर सर्वर टू ट्रांसफर द फाइल्स, राइट। सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र करनी है। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है? आपको पहले फाइल चाहिए जो ट्रांसफ़र करनी है। तो फाइल करने बना आप कैसे बनाएंगे? टच की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक फाइल बना दिया, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए जो टारगेट सिस्टम है उसका IP एड्रेस एंड द होस्ट नेम या यूज़र नेम जो आप कहते हैं, वो चाहिए। तो कमांड क्या है? SCP, जो फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है, दैट फाइल हियर, एंड आफ्टर दैट आई नीड द यूज़र नेम। इन माय केस द यूज़र नेम इज़ सविता, एंड व्हाट इज़ द होस्ट नेम, दैट इज़ जो भी IP एड्रेस है वो डालेंगे, डॉट जिस लोकेशन पे हमें इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सो आइए मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट टी, दिस इज द शॉर्टकट, एंड जूम करने के लिए शिफ्ट। सो फर्स्ट लेट मी नो द IP एड्रेस। IP क्या है? 128, एंड इन दिस मशीन कंट्रोल ऑल्ट टी, एंड व्हाट इज द IP? कॉन्फिग,
131, राइट। सो आप SCP के बारे में जानना चाहते हैं तो SCP-help डालिए, आपको इसके बारे में हेल्प मिल जाएगी। ऑप्शंस आर अननोन, SCP-CIFOR-FSSH-config, I-identity-J-destination-L-limit, O-SSH-option, P-port, S-program-source-and-target, ओके फाइन। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, डू द LS, ओके। सो ऑलरेडी कंटेन द नेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे विद द नेम ऑफ 45.txt, राइट। अभी यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो हैव ए नाइस डे। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। सो हियर इज द फाइल, लेट मी ओपन, ओके हैव ए नाइस डे, ठीक है। सो अभी कैसे करेंगे ट्रांसफर, यहाँ पे हमें लिखना है SCP, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे फाइल का नाम 45.txt, यूजर नेम, जो यूजर नेम रहेगा, एंड टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस 4.131:.desktop, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसके डेस्कटॉप में कोई मशीन नहीं है, कोई फाइल नहीं है विद द नेम ऑफ द 45, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी एंटर करूँगी, इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड ऑफ द टारगेट सिस्टम, ठीक है। मच शोइंग लाइक फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अभी देखिए यहाँ पे फाइल आ गया, अभी मैं डेस्कटॉप पे मूव करती हूँ, ठीक है। CD डेस्कटॉप LS एंड C cat 45.txt, राइट। तो इस तरीके से आप दूसरी मशीन से, एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। नाउ द सिचुएशन इज, अगर आपको ये मशीन में दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, मतलब Ubuntu से अगर काली में करनी है तो सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। सो लेट मी गो एंड हियर आर सम फाइल्स। सो डेमो में क्या है, ओके, इट कंटेन्स सम IP एड्रेसेस, ओके फाइन। सो मुझे अगर ये फाइल को भेजना है तो मैं क्या लिखूँगी, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो वहाँ पर जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम आप यहाँ पर डालिए, एंड जो IP एड्रेस है उसका 168.164.128:desktop, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे भी आपको पूछेगा, उस टाइम पे आपको यस करना है एंड पासवर्ड आपको डाल देना है। सो इट्स शोइंग लाइक फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है, LS CD डेस्कटॉप LS कैट डेमो, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस वे यू कैन ट्रांसफ़र द फाइल, बट लेट मी टॉक अबाउट सम इश्यूज़। अगर आपको कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं तो आप किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ भी इश्यूज़ आ जाता है, लेट सपोज़ आप डेटा कर रहे हैं जो आपको बता रहा है लॉस्ट कनेक्शन, तो आपको क्या करना है, आप दोनों मशीन में जाके सबसे पहले APT इंस्टॉल, बिकॉज फॉर दिस वी रिक्वायर द SSH, तो आपको SSH होना सिस्टम में ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको दोनों सिस्टम में जाके सर्विस को स्टार्ट करना है, लाइक दिस वे सर्विस SSH स्टार्ट, ओके। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेट सपोज़ आप यही कमांड रहेगा, अगर आपको वर्बोज यूज़ करना है, वर्बोज मतलब वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एंड मतलब क्या बैकएंड में क्या हो रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा है, आपको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो डेटा भेज रहे हैं, लेट सपोज उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं तो वो आपको भेजनी है, तो वो आप -R डाल दीजिए। R का मतलब क्या होता है, रिकर्सिवली, मतलब ड्राइव के फोल्डर है जो उसके अंदर का जो फाइल्स है वो भी उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ये सब ऑप्शंस यूज करके यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका SCP, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द SFTP। किस तरीके से हम SFTP के साथ फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरिंग फाइल यूजिंग SFTP। यहाँ पे SFTP का मतलब क्या है? SFTP स्टैंड फॉर द SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड दिस इज इवन SFTP का मतलब क्लियर, SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जो फाइल ट्रांसफर होगी सिक्योरली होगी। सो दिस इज द प्रोटोकॉल दैट वी यूज टू एक्सेस, मैनेज एंड ट्रांसफर फाइल ओवर ओवर एन इनक्रिप्टेड SSH ट्रांसपोर्ट। सो SCP में क्या होता था, आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट फाइल होता था, लेकिन यहाँ पे आप रिज्यूम कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप लिस्ट ऑफ रिमोट डायरेक्टरीज देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक्सेस लिया, मैं वहाँ से ये चेक कर सकती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल है, मुझे कौन सी चाहिए, एंड अगर मुझे यहाँ से उस फाइल्स को डिलीट करना है तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को करने के लिए आपको किस किस तरीके से आप कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंटेक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक SFTP जिस तरीके से SCP था वैसे ही है। यहाँ पे आगे इसमें काइंड ऑफ आपको पहले एक्सेस मिलेगा, देन इस तरीके का SFTP स्लैश करके आपको एक्सेस मिलेगा, देन यू कैन जस्ट पुट दिस कमांड, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेस लेने के लिए क्या डालना पड़ेगा, यूजर नेम, एंड देन वी हैव टू पुट द आईपी एड्रेस, एंड देन यू विल गेट द एक्सेस काइंड ऑफ SFTP ग्रेटर देन साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम ये सब कमांड डालेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का एक्सेस होगा। लेट सपोज यहाँ पे हेल्प, हेल्प में क्या मिलेगा आपको, लिस्ट ऑफ अवेलेबल SFTP कमांड, मतलब आपको कमांड्स तो पता नहीं देंगे तो आप कमांड हेल्प के थ्रू चेक कर सकते हैं। ls डालेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी शो करेगा, एंड गेट फाइल मतलब अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको ये सिंगल कमांड यूजिंग गेट फाइल आप अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लेट सपोज यू वॉन्ट्स टू ट्रांसफर द फाइल, राइट, सो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, पुट फाइल। सो विद द पुट फाइल कमांड यू कैन जस्ट टाइप द पुट एंड द फाइल नेम, सो वो क्या हो जाएगी, जिस सिस्टम में आप हैं एंड दूसरे रिमोट सर्वर में वो फाइल क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इवन मैंने यहाँ पे df कमांड लाया, वाई आई पुट दिस कमांड, लेट सपोज आपको अगर चेक करना है कि उसने रिमोट सिस्टम में कितना डिस्क यूजेज है, क्या है, इवन यू कैन चेक दैट इवन, राइट। सो आप वो सब चीज़ें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। सो इवन ये तो मुझे बताएगा सर रिमोट सर्वर, अगर मुझे खुद के मशीन के चेक करने होंगे तो हर एक कमांड के साथ मुझे एल लगाना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे इफ़ आई वॉन्ट्स टू चेक द प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये मुझे रिमोट सर्वर का दिखाएगा, लेकिन इफ़ आई वॉन्ट्स टू चेक माई ओन लोकल मशीन प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, LPWD, राइट। तो सेम वे आई कैन एक्सेस। सो नाउ लेट मूव टू द मशीन, राइट। तो अगर अभी मुझे चाहिए SFTP, यूजर नेम दैट कंटेन्स सविता एंड आईपी एड्रेस, तो आईपी क्या है, 164.131, राइट। नाउ आई हैव टू पुट द आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट मशीन, सी आई गेट द एक्सेस। सो एज डिस्कस्ड वी हैव टू पुट द हेल्प, सो हेल्प के साथ आपको यहाँ पे देखिए कितनी सारी कमांड्स आ गई, बाय मतलब टू क्विट द SFTP, CD path means where you wants to change, where you wants to move, CH group अगर आपको change करना है, CH mode command, CH own, DF अगर status check करना है, let me put the DF command, it's showing the status of the disk, right? quit करने के लिए PWD है, put means you have to be, मतलब यहाँ से मेरे local machine से मैं कोई फाइल वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, LPWD मतलब मेरे अगर मैं कौन से लोकेशन पे हूँ ये मुझे वो दिखा रहा है, होम 45 डेस्कटॉप, दिस इज़ माय प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स जिस मशीन पे मैंने इसको एक्सेस किया उसका है। लेकिन अगर मुझे
जो टारगेट मशीन का चेक करना है तो आई हैव टू पुट सिंपली लाइक पीडब्ल्यूडी, बट व्हेन आई वांट्स टू चेक माय ओन लोकल मशीन दैट टाइम आई हैव टू पुट द एलपीडब्ल्यूडी, राइट? सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. नाउ अगर मुझे यहाँ से कोई भी फाइल चाहिए, है ना, तो मैंने आपको क्या बोला कि मुझे क्या डालना पड़ेगा, गेट. एंड इफ आई वांट्स टू अपलोड एनी फाइल सो दैट टाइम आई हैव टू पुट द पुट कमांड, राइट? सो लेट सपोज ls, सो इट्स शोइंग लाइक हियर वी हैव दिस मच ऑफ द कमांड. सो लेट सपोज आई वांट्स द पास डॉट टी एक्स टी फाइल. सो हाउ आई कैन डाउनलोड, सो आई विल टाइप गेट पास डॉट टी एक्स टी. सो इट्स सेइंग इट दिस फाइल यहाँ से फेच हो चुकी है, ठीक है. सो अभी मुझे यहाँ से चेक करना है. सी हियर इज द फाइल पास डॉट टी एक्स टी. सो दिस इज द फाइल नेम, राइट? After that, let's suppose I wants to transfer file from here to the another location. So यहाँ पे मैं एक file बना लेती हूँ, touch F5, ठीक है. So let's move the file. Okay, there is a file with the name of the F5, and मुझे ये file को अभी ट्रांसफर करना है. सो वट आई विल डू एफ फाइव. सो इट अपलोडेड सिंपली. सो हियर इज द एफ फाइव फाइल, राइट? सो दिस वे यू कैन जस्ट अपलोड द फाइल, यू कैन जस्ट डाउनलोड द फाइल, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? बट इन द एस सी पी वी कैन जस्ट ट्रांसफर द फाइल. सो दिस वन इज एज कंपेरेटिवली एस सी पी, दिस वन इज गुड. हियर यू कैन जस्ट सी विच फाइल यू वॉन्ट, एंड लोकली एंड रिमोटली आप किसी भी सिस्टम में से कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड आप मैनेज भी कर सकते हैं. सो इस ये था इस सेशन में जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमारी फाइल्स जो कॉपी होंगी एंड किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड हियर वी सॉ द टू टूल्स SCP एंड SFTP. SCP में आपने सिर्फ देखा कि किस तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड उसके बाद SFTP में आपने देखा किस तरीके से हम पहले एक्सेस लेते हैं एंड किस तरीके से हम SFTP को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पहले सबसे पहले हम हेल्प कमांड से कैसे कमांड्स को जानेंगे, देन किस तरीके से हमें फाइल्स को डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड करना है, ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन.